तो चलिए टॉपिक डालिए, सारे लोग चैप्टर नाम लिखिए, डी एन, ये पूरे चैप्टर का नाम है डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट। उसमें दो पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, एक ब्लॉक रिड्यूस सिलेबस में है लेकिन नीट में तो शायद आएगा, तो इसलिए हम सबसे पहले डिस्कशंस करेंगे डी ब्लॉक को। समझ रहे ना आप, डी ब्लॉक को करेंगे। पहला पॉइंट लिखना शुरू कीजिए, द जनरल configuration of D block element is 1D. One से 10, NS 0 से 2, ठीक है। एक ऐसा एलिमेंट है जिसका नाम पहला डीएम है 46, जिसमें आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है 4D10 है 5। ये तो मैंने जो मेरा बेसिक लेक्चर पढ़ा है उसमें पी ब्लॉक के पहले लेक्चर में मैंने एक्सेप्शनल केस में बताया था, ये पैलाडियम ऐसा जिसके एस में इलेक्ट्रॉन नहीं है, बाकी कहीं कहीं पर बुक ये भी लिखता है लेकिन NS1 से 2, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है क्योंकि पैलाडियम में 0 इलेक्ट्रॉन होता है इसमें। ये सबको मालूम है, हाँ या ना जल्दी बताइए सारे लोग। हेलो एवरीवन, अरे बोलिए ना। यस सर। अरे किसी को आवाज नहीं आ रही, जल्दी बोलो यार, रिस्पॉन्स करो तभी मजा आएगा ना। यस सर। हाँ, तो ये आपको डी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। आप आगे आइए, नेक्स्ट है, ये लिख लिया था सारे लोग, हाँ या ना? यस सर। यस सर। वेरी गुड। सेकंड पॉइंट, डी ब्लॉक एलिमेंट is also called transition element. ठीक है, next point, transition element होता है that element whose d orbital is partially filled. partially filled का मतलब हुआ d1 से लेकर d9 होना चाहिए, partially filled in ground state और दोनों में से किसी एक में in combined state. कंबाइन स्टेट को ये भी कह सकते हैं कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट का डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होना चाहिए, इसके डी ऑर्बिटल में कंप्लीटली फिल्ड 10 नहीं होना चाहिए। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन, बताइए। यस सर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग। आगे बढ़ें सारे लोग, बताइए आगे बढ़ें, सब लोगों ने लिख लिया। यस सर। यस सर। गुड। अब आइए,
B block can be divided into three series. एक को कहते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज. मैं पूरा एलिमेंट का नाम यहाँ पर नहीं लिखूंगा, एटॉमिक साइज जो पढ़ाऊंगा तो उसमें पूरा एलिमेंट आएगा ही, तो वहीं लिखेंगे हम. फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को हम 3D सीरीज कहते हैं. इसमें जो एलिमेंट होता है स्कैंडियम 21 से लेकर जिंक 30 तक. कॉन्फ़िगरेशन आर्गन है 4s² 3d1 एंड आर्गन 3d10 4s². सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में जिसको 4d सीरीज कहते हैं, उसमें इटीरियम वाई को कहते हैं 39 इटीरियम डबल टी आर यू एन क्रिप्टन 4d1 5s² से लेकर आपका कैडमियम 48 तक होता है. क्रिप्टन 4d10 5s² इटीरियम टू कैडमियम. जल्दी बताइए सब लोगों ने लिख लिया. हेलो एवरीवन. यस सर. थैंक यू. बहुत अच्छे आदमी सब लोगों ने लिख लिया. यस सर. ये चैप्टर बहुत जल्दी खत्म होगा, छोटा चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें वो पढ़ाई जाएंगी जो 12th में नहीं रिड्यूस सिलेबस में है. तो जिनको नहीं पढ़ना वो नहीं आएंगे जब हम बताएंगे तब. अभी तो आप लगातार आए, अभी आप सब लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं. 3D हाँ, जिसको पढ़ना जिसको अपने ऊपर कमांड है वो आ सकते हैं. 5D सीरीज इसमें जो होता है लैंथेनम 57 से लेकर HG तक. लेकिन यहाँ पर खास बात यह है 57 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट है 72. समझा कि नहीं. हाफ नियम 58 से 71 वो F ब्लॉक कहलाता है, आप लोग जानते होंगे. 72 से 80 है, समझा. 57 का 72 अब उसके बाद लैंथेनम में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शनल केसेस हैं, समझा. होना चाहिए था 4F जो आपको P ब्लॉक में पढ़ाया गया. 6s² है, 5d1 है, यहाँ ज़ेनन है, 4f14 है, 5d10 है, 6s² है. ये ब्रीफ बात बताई गई आपको कि भाई ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह आपको ज्यादातर जो ध्यान देना है वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का ही. आप देखिएगा बुक में टेबल है, उसकी साइज, उसकी एक एक चीज आपको बोर्ड लेवल, क्या बोर्ड लेवल तो है ही है, कंपटीशन लेवल सब में 3D सीरीज पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया. हाँ, कंपेरिजन क्या है 3D 4D में, 4D की इंफॉर्मेशन आपको उतना नहीं पूछेगा जितना 3D है. क्या आप लोग यहाँ तक समझ गए, आप जल्दी बताइए आप. वेरी गुड. अब आइए देखिए, तीन एलिमेंट ऐसे हैं Zn, Cd एंड Hd. R D ब्लॉक एलिमेंट तो हैं, बट दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट. तीन एलिमेंट को छोड़कर तमाम डी ब्लॉक है, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट. तीन एलिमेंट डी ब्लॉक कहलाएगा बिकॉज दे हैव कंप्लीटली फिट. क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट की परिभाषा होती है मॉडर्न डेफिनेशन, ये एक्सपेरिमेंटल देखा गया कि ट्रांजिशन एलिमेंट जितने भी हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. उसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होती है,
ये बातें जिंक एडमिया मिचजी में नहीं है. वी हैव कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन ये ग्राउंड स्टेट में भी. ग्राउंड स्टेट में भी क्या कहते हैं इसको कंप्लीटली फिल्ड है एंड कंबाइन स्टेट में भी. मिसाल के तौर पर जिंक है 30, आप क्या लिखते हैं आर्गन 3D10. तो ग्राउंड इसमें कंप्लीटली फिल्ड है, अगर ये कंबाइन करेगा तो +2 होगा, अभी भी 3D10 है, इसलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट रिगार्ड नहीं करते हैं. क्या आपने पिछला स्लाइड लिख लिया था कि Zn, Cd, Hg आर डी ब्लॉक एलिमेंट बट दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट. सबको समझ में आया? हाँ जाना बताइए. अब हाँ एकाध जगह कंफ्यूजन ये हो सकता है, जैसे आपको मैं बता रहा हूं. लिख लिया सारे लोग? हाँ जाना. जैसे सिल्वर है 47 है, सिल्वर का जब आप लिखते हैं तो 5s1 4d10 है. ये d10 है फिर भी ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्योंकि ये जो है आपका इसका आपको मालूम है Ag47 का ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 4d9 5s2 यही होता है. हाँ जाना जल्दी बताएं. हेलो एवरीवन, यही तो होता है ना. इस एक्सेप्शनल केस में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता, पढ़ा होगा ना 11th में, और मैंने पी ब्लॉक के पहले लेक्चर में भी बताया एक्सेप्शनल केस टोटल. यस सर. यस सर. तो आप ये देखिए कि सिल्वर में जो डी यहाँ जो ये एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है, जो कि लोअर से हायर एनर्जी में गया, तो ग्राउंड स्टेट में यानी जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें D9 है. ये जो D10 है दसवां इलेक्ट्रॉन है वो D का अपना नहीं है, इसलिए कोई कंफ्यूज करेगा आपको Ag में D10 है बट स्टिल इसे ट्रांजिट है कि D का दसवां इलेक्ट्रॉन उसका अपना नहीं है, वो S से ट्रांसफर हुआ है. D ओरिजिनली D में 9 ही है. ये तो स्टेबिलिटी कंसर्न की वजह से लिखते हैं कि ये मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है. ये डी में बाकी सब में जितना है सबका डी का अपना इलेक्ट्रॉन है. D10 जिंक में, Hg में दसों इलेक्ट्रॉन डी का ही है, इसलिए कोई Ag में कंफ्यूज करेगा, कॉपर में कंफ्यूज करेगा आपके? नहीं, कॉपर में भी D10 जो होता है वो S से ट्रांसफर होके जाता है. इसलिए सिर्फ 3 एलिमेंट याद रखिए, जिंक, कैडमियम, Hg जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं. बाकी Ag कॉपर में कोई कंफ्यूज करे तो उसमें कहिएगा कि नहीं, इसमें डी का जो इलेक्ट्रॉन है, डी में जो दसवां इलेक्ट्रॉन है वो डी का अपना नहीं, वो इससे ट्रांसफर हुआ है. देयरफॉर इट इज स्टिल ट्रांजिशन एलिमेंट है. इट इज स्टिल ट्रांजिशन एलिमेंट. समझा? इसी को कोई डाउट तो नहीं है ना मेरी बातें? कंफ्यूजन शायद इसी में आपको होगा. Ag में कोई करेगा आपको, या पढ़ेंगे भी तो आपको हुआ होगा, ये आपको याद रखना. आगे बढ़े, जल्दी बताइए सारे को. कुछ तो बोलिए. हाँ yes, sir. बहुत अच्छी बात है. अब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने की कोशिश करेंगे. यहां से फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला एकदम आसान कंसेप्ट हम लोग लेते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. सबसे आसान, इसमें हर साल क्वेश्चन आते हैं, हर साल हर तरह के एग्जाम में. जनरली साल भी अभी जो जीमेंस का हुआ पेपर उसमें भी आया है मैग्नेटिक. ऐसे कुछ लोग तो पढ़ ही चुके हैं ये, लेकिन फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आपको ये बात मालूम है
कि पहला पॉइंट ये है कि ट्रांजिशन एलिमेंट, जो कि गौर से सुनिए, ट्रांजिशन एलिमेंट की डिफिनेशन ही यही है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना, और केमिस्ट्री कहता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो पैरा मैग्नेटिक होगा, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बाय नेचर ये ट्रांजिशन एलिमेंट स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करता है बाय नेचर, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट की डिफिनेशन ही यही है, डी में पार्शियली फिल्ड होना चाहिए, सब में अनपेयर्ड है, चाहे एस में हो या डी में हो, है अनपेयर्ड। अरे कुछ तो बोलिए, तो ट्रांजिशन एलिमेंट शोज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज due to the presence of unpaired electron in their valence shell, in their configuration. और यहाँ पर valence shell हम s और d दोनों को लेंगे, क्योंकि energy gap कम है, s और d दोनों को लेंगे, क्यों? वही एक concept में 12 p block में पढ़ा चुका हूँ, Bohr model कहता है दूर जाएंगे energy बढ़ेगी लेकिन gap कम होता जाए, gap इतना कम होता है कि valence shell और inner shell में फर्क नहीं होता है। उसका बेहतरीन एग्जाम्पल है d block, डी में 3d1 4, दिखने में 4 square, ये वैलेंस शेल है लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों का लेंगे। अरे यार कुछ तो बोल दो, हाँ या ना, एनर्जी गैप क्या? Yes, sir. हाँ, याद रखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की पहचान है अनपेयर्ड ट्रांजिशन मेटल ऑल आयन। पहला पॉइंट लिखिए, शोज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज due to presence of unpaired electron, पहली बात। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का मतलब है पैरा, समझा? एक बात तो ये होगी, और आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, जिस तरह केमिस्ट्री में चार्ज कितनी पोलैरिटी आई वो डायपोल बताता है, इलेक्ट्रिक डायपोल, और आज आजम सर ने इलेक्ट्रिक डायपोल ही शायद पढ़ाया है ना? Yes, sir. हाँ, उसी तरह मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिपेंड्स करता है मैग्नेटिक मोमेंट। यही क्वेश्चन बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के इंडेक्स में भी बहुत क्वेश्चन है, ऐसे ही एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी लोग पढ़ाते हैं, समझा कि नहीं? और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है हर एग्जाम का, बोर्ड लेवल कॉम्पिटिशन, जी नीट फलाना चिलाना, इवन के एमएससी जो जैम वगैरह होता है, सब में ये आता है मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहां जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक मोमेंट। असल होता है मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट जिसका ज्यादा होगा उसी का आपको निकालने को कहेगा, मैग्नेटिक मोमेंट निकालें। लिख लिया सारे लोग यहां तक, जल्दी बताइए, हेलो एवरीवन। यस सर। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एन एन प्लस टू बी एम। बी एम आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, बोर मैग्नेटन एक यूनिट के फॉर्म में लेते हैं, n जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड है, चाहे s में हो या d में हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब जैसे आपको कहेगा Zn हो या Zn प्लस 2 हो, दोनों के कॉन्फ़िगरेशन में चेक कर लीजिए, यहाँ 3d10 4s स्क्वायर है, यहाँ 3d10 है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो, सो द मैग्नेटिक मोमेंट जीरो, इट इज डाया, डाया मैग्नेटिक, इट डज नॉट शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। आपको कहेगा इफ ई प्लस 3 में बता इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, तो आप आयरन का, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए आर्गन 4s स्क्वायर 3d6, एफ ई प्लस 3 है तो पहले 2s से इलेक्ट्रॉन को निकालो, फिर d से 5, तो 5 d5 का मतलब हुआ d में 5 ऑर्बिटल हैं, g में 5 ऑर्बिटल हैं, तो सब में एक एक जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हो गए,
मैग्नेटिक मोमेंट हो गए 5 इनटू 5 प्लस 2 bm रूट 70 रूट 35 bm शॉर्ट फॉर्म 5.9 bm. डू यू अंडरस्टैंड? हेलो एवरीवन. यस सर. हां चलिए देखिए. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये तो बता दीजिए भाई लोग. आ रहा है ना कुछ? यस. नहीं आ रहा है? यस सर आ रहा है. ये स्लाइड लिख लिया तो बताइए. हेलो. यस सर. आगे बढ़े. यस सर. आप निखिल 28 का निकाल के दिखाइए मैग्नेटिक मोमेंट. कितना हुआ? किसी का आंसर आया? सर 2.7 और 8. अच्छा ओके. 2.82. 28. वेरी गुड. आर्गन है, 4s स्क्वायर है, 3d8 है. तो इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, डी में चेक कर लेंगे क्योंकि इसमें कंप्लीटली फिल्ड है, दो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं. अनपेयर्ड होता डी में, डी जनरेट सबको पहले एक एक दीजिए 5, 6, 7, 8. तो सबसे पहली बात कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दो है. ये किसी का गलती है तो इसमें मेरा कोई गलती नहीं है भाई. आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना चाहिए, इसलिए मैंने पी ब्लॉक के स्टार्टिंग में जो लोग हैं, स्टार्टिंग का मतलब प्रीवियसली जो लोग 12th के स्टूडेंट हैं, इसलिए मैंने पढ़ा. ये नहीं आएगा तो आपको कुछ नहीं आएगा. रेट है 2.89, कुछ भी पढ़ सकते हैं. एनी प्रॉब्लम जल्दी बताइए. सीख गए तो बताइए ना. हेलो एवरीवन. यस सर. अब ये है, आपको कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है. एक शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आप सबको बताया था कि कैलकुलेशन कैसे करना है, उसका शॉर्ट ट्रिक्स ये है. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेटिक मोमेंट. अगर अनपेयर्ड 1 है तो 1.73 आएगा, रूट 3 आएगा. 2 जब रहे अनपेयर्ड तो 2.8, 3 रहे तो 3.8 कर दो, 4 रहे तो 4.8 कर दो, 5 रहे तो 5 से 5.9 कर दो. कहीं कहीं पर 2.8.9 रहता है, उससे मतलब नहीं. 6 रहे तो 6.9 होगा, 7 रहे, जगह खाली नहीं, 7 रहे तो 7.9. कहीं कहीं पर ऐसे दे सकता है मैग्नेटिक मोमेंट है
आपको दे देगा 5.82। अगर कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर, कोई कैलकुलेशन नहीं, डायरेक्ट ऑफ 5। अरे बोलो ना, हाँ या ना, जिससे तुम्हें जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अरे यार 2 है तो 2.89, 3 है तो 3.8। ऐसे उल्टा भी क्वेश्चन दे सकता है, मैग्नेटिक मोमेंट देकर अनपेयर्ड कह देगा। 7 है तो 7.9, जितना है उतना ही होगा, से समथिंग होगा आंसर। क्या मैं आगे बढ़ूं? लिख लिया, हेलो। यस सर। चलिए अब आइए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की दूसरी प्रॉपर्टीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, समझ रहे हैं ना? वो है मेल्टिंग पॉइंट। देखिए मेल्टिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, एक एक चीज को पढ़िए, जल्दी याद होने वाला टॉपिक सर। ओके, मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत दफा आपने पढ़ा है, क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। पी ब्लॉक का कैसे देखते हैं वो मैंने तीन चीज बता दिया था। पी ब्लॉक में मॉलिक्यूलर सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड, मेटालिक। तो यहाँ जो है डी ब्लॉक में भी क्या है, सारे मेटल्स हैं, सब मेटालिक हैं, एक मेटालिक बॉन्ड होता है। तो पहले गौर से सुनिए, मेल्टिंग, पहले शॉर्ट फॉर्म में मेल्टिंग पॉइंट जो है ना, ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर मेटालिक सॉलिड है तो यहाँ तो हर डी ब्लॉक में मेटल्स हैं, तो फिर कैसे चेक करेंगे? तो मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड। गौर से सुनिए, पहले लॉजिक समझिए, और स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही मेटल मेटल बॉन्ड बनेगा, ये याद रखें आप। पहली बात तो ये। अब गौर से सुनिए, एस ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, दोनों मेटल है। पी ब्लॉक की बात तो छोड़ दीजिए, वहां कोवेलेंट भी है, मेटालिक भी है और नेटवर्क भी था, तीनों टाइप था। लेकिन यहाँ तो एस ब्लॉक में मेटल है, एक ही तरह का मेटालिक सॉलिड भी है। एस में मेटालिक बॉन्ड में सिर्फ एस के इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट करते हैं, एस के इलेक्ट्रॉन। डी ब्लॉक में क्या है, एन माइनस वन, डी के भी इलेक्ट्रॉन और एन एस, इसके भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मेटालिक बॉन्ड में टेक पार्ट करेंगे और एन माइनस वन डी। तो ऑब्वियसली डी ब्लॉक का मेटालिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और से सुनिए, एस ब्लॉक में सिर्फ एस के इलेक्ट्रॉन होंगे, डी ब्लॉक में ट्रांजिशंस मेटल में जो मेटालिक बॉन्ड में टेक पार्ट करता है वो एस के इलेक्ट्रॉन भी, एन माइनस वन डी के भी इलेक्ट्रॉन। तो वही कहना, पहली बात तो ये याद रखनी है कि ट्रांजिशन मेटल की मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होती है, टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन माइनस वन डी इन एडिशन टू एस इलेक्ट्रॉन। क्यों? इन द फॉर्मेशन ऑफ मेटालिक बॉन्ड, एस में ऑनली एस, यहां पर है एस के अलावा एन माइनस वन डी के इलेक्ट्रॉन टेक पर, इसलिए पहली बात कि ट्रांजिशन मेटल की मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती है। पहली बात सबको समझ में आई मेल्टिंग पॉइंट के बारे में? हेलो दुछा। अरे यार, यहाँ तो कोई नेटवर्क नहीं है, यहाँ कोई मॉलिक्यूलर, यहाँ तो सब मेटालिक है। तो पहले शॉर्ट फॉर्म में अनपेयर्ड, तो पहला डॉट इसको लिख लीजिए अपना, पहला डॉट ट्रांजिशन मेटल मेटल है, हायर मल्टी पॉइंट, हायर मल्टी पॉइंट। इट इज ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन माइनस वन डी इन एडिशन टू द एन एस इलेक्ट्रॉन। इसका वीडियो ऑन है भाई, एन एस इलेक्ट्रॉन। क्यों भाई? इन
क्यों किसके इन द इंटर एटॉमिक इन द इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्ड एटॉमिक एटम एटम इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्ड बस मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होता है इसीलिए डू यू अंडरस्टैंड जल्दी बताइए हाँ या ना मेल्टिंग पॉइंट हाई होने की वजह सबको समझ में आई कि मेटालिक बॉन्ड की फॉर्मेशन में समझा कि नहीं ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं समझ में बात आ रही है कि नहीं अरे यार कोई बोल ही नहीं रहे हो यस सर बहुत अच्छी बात है अब आइए दूसरी अच्छी बात ये करनी है आपको सब लोगों ने लिख लिया किसी को कोई डाउट है ये शॉर्ट फॉर्म है स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड और यहाँ जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है n माइनस वन डी से भी आएगा और एन एस से भी आएगा सिंपल आगे बढ़े जल्दी बताएं हेलो एवरीवन यस सर अब सुनिए कि सर कंपेरिजन कैसे करेंगे एनसीईआरटी ने ग्राफ भी दिया इसमें और से सुनिए अच्छे से तो थ्री डी सीरीज हो या फोर डी सीरीज हो कोई भी सीरीज हो लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं लेफ्ट टू राइट तो आपको मालूम है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है हाँ या ना जल्दी बताइए अरे बोलो ना d1 d2 d3 हो रहा है ना अरे बोलो ना yes, sir. 21 22 23 देखो अच्छे से हाँ तो लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है तो स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड भी इंक्रीज होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा ठीक है तो ये सिंपल है लेकिन गौर से सुने अभी लिखना नहीं है नंबर ऑफ लेफ्ट टू राइट गया एंड इट इज मैक्सिमम At the middle of period, at the middle of the period, middle of the period में ही सबसे ज्यादा होगा and it is maximum melting point. बढ़ रहा है और maximum हो रहा है middle पर क्योंकि middle पर d5 आ जाता है अब जैसे middle के बाद d6 होगा तो अब unpaired electron घटेगा कि नहीं जल्दी बताओ अब d orbital में pairing शुरू हो जाएगी अरे did you understand? Yes, sir. अरे यार कोई बोल ही नहीं रहे हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है मेटालिक बॉन्ड बढ़ रहा है मेल्टिंग पॉइंट बढ़ तो रहा है लेकिन इट इज मैक्सिमम एट द मिडिल देन इसलिए देन हां देन मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस क्यों ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यस इसलिए सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होगी जिंक की जिंक में डी टेन है कोई अनपेयर्ड नहीं है तो देखिए मेल्टिंग पॉइंट एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड इंक्रीज मैक्सिमम एंड देन मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो अब गौर से सुनिए जैसे 3D सीरीज 4D सीरीज 5D सीरीज मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट किसका है 3D 4D 5D ये तो सीरीज हो गया मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट पहली बात और मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट पहले तो ये लॉजिक याद रखिए मैक्सिमम है क्रोमियम यहाँ है मोलिब्डेनम यहाँ है टंगस्टन मिनिमम है जिंक सी डी एच डी पहला क्वेश्चन तो ये पूछा गया थ्री डी में क्यों अब उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा क्लियर है तो गौर से सुनिए तो थ्री डी सीरीज में मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट क्रोमियम का होगा
रीजन क्या है? क्योंकि देखो क्रोमियम का 24 होता है, चाहे मोलिब्डेनम हो चाहे टंगस्टन हो, इन तीनों में मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम 6 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 सबसे ज्यादा ये होते हैं। इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व किसमें? इन मेटालिक बॉन्ड। कैसे 6 होते हैं मैं बता रहा हूं आपको। देखो क्रोमियम का 24 है तो क्या लिखोगे? आर्गन 3D5 4S1, 6 है कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। यस सर। अरे काश मेरी कॉम इस हकीकत को समझ ली होती, जल्दी बोलिए। यस, इसलिए 3D में क्यों ज्यादा होता है क्रोमियम का? मैक्सिमम 6, मोलिब्डेनम में भी 6, टंगस्टन में भी 6, सब में 6 है। देख चेक कर दे। हाँ, अब इन तीनों में किसका ज्यादा है वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन 3D पहले ये टेबल आप पहले तो देखो फिर से एक दफा। और पहली बात, मेल्टिंग पॉइंट ट्रांजिशन मेटल का ज्यादा होता है, मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, मेटालिक बॉन्ड में NS के अलावा N-1D के इलेक्ट्रॉन। ये वाला स्लाइड सबको क्लियर है, खासकर तहरीम और ये जो है मरियम, दोनों चीफ गेस्ट हैं, दोनों को समझ में आया? यस सर। दूसरा पॉइंट ये है कि शुरू में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो मेटालिक बॉन्ड मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, और ये मैक्सिमम कितने पर होगा, कहां पर होगा मैक्सिमम? मिडिल पे। मिडिल का मतलब भाई ये 3D में, हाँ 3D में हो गया, और उसके बाद फिर घटना शुरू, देन मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजिंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एंड इसमें एक लाइन जोड़ सकते हो, एंड बिकम्स मिनिमम एट द एंड ऑफ द पीरियड, बिकम्स मिनिमम at the end of the period, minimum at the end of the period, exactly zero हो गया। बताओ ये वाला slide लिख लिए तुम लोग, जल्दी बताओ। यही कहानी 4D series में होगी, यही कहानी 5D series में होगी, सब में यही कहानी होगी। आगे बढ़े बोलिए ना। हेलो सर। हेलो, has everyone noted down this slide? Yes sir. ये तो direct question होगा school सब में। भाई 3D series में maximum किसका है? Chromium का। Minimum किसका है? Zinc का। इसमें किसका है? Molybdenum। ये 24 है, ये 42 है। सब में check कर लो इसका। Krypton होता है और 5D5 5S1 check कर लो। समझा कि नहीं? तो मिनिमम कैडमियम लास्ट वाले का सबसे मिनिमम एचजी तो ऐसे भी लिक्विड होता है, ऐसे भी सब है। आगे बढ़े जल्दी बोलिए ना। हेलो एवरीवन। यस सर। अब सुनिए, तो हो गया भाई। हाँ, क्रोमियम का मैक्सिमम क्यों हुआ? मोलिब्डेनम का 4D सीरीज में मैक्सिमम क्यों हुआ? क्या रीजन दोगे? मैक्सिमम 6 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्वड इन मेटालिक बॉन्ड। रीजन सबको समझ में आया हाँ या ना? हेलो। यस सर। हेलो, ये भी लिख लिए तो बताओ। यस सर। सर अभी नहीं लिखी। यस, अच्छा लिखिए। आइए सबा फौजिया सुबह में क्यों नहीं आई थी? मत आइए ना। लिख लिया सारे लोग, जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। ये मोहसिन ने लिख लिया। जी सर। ये बिहारी बोलता क्या है नहीं है यार? अरे सर बोलते रहे। हाँ हाँ, अरे सर बोल तो है। ये बात सबको समझ में आ गई तो बोलिए भाई सारे लोग। हेलो एवरीवन।
आप सुनिए, 3D में, 4D में, 5D में एकदम ऐसे ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखिए। 3D में सबसे मिनिमम किसकी है जल्दी बताओ सारे लोग मिलके, जिंक, ZN, कैडमियम, और 5D, हाँ HG। इसका एक साथ सबका रीजन लिख लो क्यों है, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट क्यों है, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अपने अपने सीरीज में ड्यू टू नो NO, नो इसको नंबर मत कर देना, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर मेटालिक बॉन्डिंग। ओके, एक ही साथ हो गया शॉर्ट फॉर्म में, कुछ तो बोल दीजिए हाँ या ना, कुछ तो बोल दीजिए। यस सर। अब सुनिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको पूछेगा, आगे बढ़े हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर, वेरी गुड। अब सुनिए, हमने आपको कहा चाहे 3D सीरीज में, आपको मैंने बताया कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस मेटल राइज टू अ मैक्सिमम एट D5 जिसमें आया, D5 क्रोमियम में आया। अब सुनो, क्रोमियम में भी D5 है और मैग्नीज में भी D5 है, लेकिन आप ये भी कहिए D5 4S1 था, यहाँ 3D5। अब बताओ तुम सारे लोग, मैग्नीज में ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि क्रोमियम में, जल्दी पहले बताओ हाँ या ना। क्रोमियम ठीक है, मैंने हाँ, इसलिए मैंने 6 लिख दिया। इसलिए जब तुम ग्राफ देखोगे गौर से सुनो, 3D सीरीज में मैग्नीज की मेल्टिंग पॉइंट एबनॉर्मली लो है। ग्राफ अभी बताया जाएगा, ग्राफ गया मैक्सिमम, अब फिर ये डिप हो गया, अब फिर बढ़ा, इस तरह है। ये डिप क्यों आया, ग्राफ में डिप माने गहराई क्यों आई? तो एक तो एनसीईआरटी ने रीजन नहीं लिखा, ये तो एक्सपेरिमेंट है, टिपिकल स्ट्रक्चर है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत समझाऊंगा आपको। तो 3D सीरीज में ऐसे कोई पूछे कि व्हाई मैग्नीज has abnormally low melting point जबकि D5 है, समझा? abnormally क्रोमियम का ज्यादा है तो उसके बाद मैग्नीज का होना चाहिए, नहीं। जब आप ऑर्डर देखिएगा तो स्कैंडियम से ज्यादा है टाइटेनियम से ज्यादा वेनाडियम, क्रोमियम का तो मैक्सिमम हो गया, उसको तो लास्ट में लिखा जाएगा, लेकिन क्रोमियम के बाद मैग्नीज नहीं है, क्रोमियम का तो सबसे लास्ट में है, मतलब एक बात कर रहा हूं, क्रोमियम सबसे ज्यादा है, उसके बाद मैग्नीज का और आयरन में होगा, तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। अब ग्राफ में भी देखिए, एनसीईआरटी में डिप के जस्ट ऊपर है ग्राफ, यही सब ऑर्डर पूछ देगा, शुरू का अगर पूछ देगा स्कैंडियम टाइटेनियम वेनाडियम क्रोमियम, ये चार एकदम डायरेक्ट खटाखट, लेकिन अगर पूछ देगा मैग्नीज आयरन आय है कोबाल्ट, तो ओ माय गॉड, तो इसमें भी आपका लगभग बढ़ता रहेगा। कोई क्या करे, D5 नहीं, इसका टिपिकल स्ट्रक्चर है D5, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इतना स्टेबल है कि आपने नहीं पढ़ा ऑक्सीडेशन एनर्जी में, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का इलेक्ट्रॉन आसानी से इन्वॉल्व नहीं होता, बहुत ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, बहुत ही स्टेबल है। और ये कोई खास रीजन नहीं है, लेकिन खास रीजन ये है, जब आप BSc वगैरह में पढ़ेंगे, इसका ऐसा टिपिकल स्ट्रक्चर होता है कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट एबनॉर्मली लो रहती है। उसी तरह 4D सीरीज में दो ही जगह डिप है, 3D में, 4D, 5D में डिप नहीं है, सबसे मैक्सिमम देखिएगा उसमें लगातार बढ़ रहा है, एकदम लगातार बढ़ रहा है, एकदम कर रहा है, फिर घट रहा है, ऐसे ग्राफ है 5D का, 4D का ऐसे हुआ, 3D का फिर ऐसे हुआ, सबसे अब 3D, 4D, 5D में कंपैरिजन हो रहा है, तो ग्राफ में बता दो 3D, 4D, 5D में 5D का सबसे ज्यादा है कि नहीं में, अरे बोलिए ना, हेलो Yes, हाय बोलो ना यार, हम बताएंगे रीजन।
तो अब मैं जो हाँ मेन जो मैं पॉइंट लिखाने वाला वो ये लिखाने वाला हूं कि इन एनी रो, इन एनी रो चाहे 3D हो, मैं लिख देता हूं 4D हो या 5D हो, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दीज मेटल, दीज मेटल राइज टू मैक्सिमम, मैक्सिमम तक बढ़ा क्रोमियम तक एट D5 है एक्सेप्ट, ओ माय गॉड, एक्सेप्ट फॉर, इसलिए कहते हैं ना एनोमेलस बिहेवियर, अजीब गरीब बिहेवियर है एनोमेलस, इंग्लिश का वर्ड समझिए फॉर एनोमेलस वैल्यूज ऑफ मैग्नीज एंड टेक्नीशियम TC. याद रखिए इसको छोड़कर D5 की मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम, इन दोनों को छोड़कर, और वो तो बाद वाला लिख लें एंड, तो मैं लिख ही दिया एंड फॉल रेगुलरली, उसके बाद घटता है ना मिडिल के बाद, बोलो ना एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीज, उसके बाद घट रहा है एटॉमिक नंबर इंक्रीज। अब देखिए आगे बढ़े, जल्दी बताइए आप इसका क्या मतलब हुआ, आगे बढ़े जल्दी बताएं। हेलो एवरीवन। यस सर। मतलब ये हुआ इन 3D सीरीज मैग्नीज हैज एबनॉर्मली लो मेल्टिंग पॉइंट, सिंपल रीजन एक तो डाटा बेस्ड है ड्यू टू टिपिकल स्ट्रक्चर, बस सिंपल, उतना जब NCERT में डेप्थ में नहीं दिया तो आपको भी उतना PhD नहीं करना है, अरे बोलना यार सही नहीं कह रहा हूँ, तुमको कंपटीशन निकालना है बस, अरे बोलो यार। हेलो एवरीवन। लो मेल्टिंग पॉइंट, अब लो का मतलब ये नहीं हुआ कि जिंक से लोएस्ट वर्ड नहीं लिखा हुआ, ये भी बहुत सारे लोग जामिया नगर की इंग्लिश कमजोर है ना, यहाँ लोएस्ट है, लोएस्ट और लो में फर्क है, इसलिए ग्राफ भी बनाऊंगा मैं आपको। अब बताओ 4D सीरीज में किसकी एबनॉर्मली मेल्टिंग पॉइंट है, बताओ। TC हैज एबनॉर्मली लो मेल्टिंग पॉइंट। अब ये पूछेगा ये सब लो मेल्टिंग पॉइंट है जबकि दोनों में, इसका भी वही रीजन है ड्यू टू टिपिकल स्ट्रक्चर। अब देखो निकले टिपिकल स्ट्रक्चर, आगे बढ़ हैं। हेलो एवरीवन। यस सर। हेलो एवरीवन। यस देखो ग्राफ है, ग्राफ से समझो उसके बाद ऑर्डर हम लोग कुछ लिखेंगे, कोई मशहूर है ऑर्डर सर। देखो मेल्टिंग पॉइंट, फिर मैं कंफ्यूजन भी दूर कराऊंगा, यह है मेल्टिंग पॉइंट का, यह है तुम्हें, बताओ शुरू में बढ़ेगी कि घटेगी, सारे लोग मिलके बोलो, शुरू में बढ़ेगी हाँ, ये मैक्सिमम है, ये क्रोमियम है, फिर क्या हो जाएगा डिप, क्रोमियम है ये समझो, क्रोमियम है तो क्रोमियम के बाद हाँ समझा, और डिप इतना ज्यादा है कि ये टाइटेनियम से भी कम है, याद रखिए एकदम ग्राफ को ही से ऑर्डर पूछ देता है, फिर ये बढ़ा फिर लगभग घटा फिर ऐसे हुआ, तो मैं आपको बता देता हूं ये आपके पास वही है टाइटेनियम है स्कैंडियम है टाइटेनियम है वेनाडियम है, ये क्या है मैग्नीज, ये क्या है आयरन, फिर क्या है कोबाल्ट है निकल है, तो अब बताओ Fe और कोबाल्ट और निकल में किसका ज्यादा होगा, जैसे जैसे जाओगे तो घट रहा है ना, बताया गया ना अभी, जल्दी बताओ हाँ या ना, और यार ये लास्ट में सबसे कम किसका है, सबसे कम ऐसा ग्राफ बनाओ हाँ सबसे कम दिखे इससे, इससे ये ऊपर थोड़ा सा दिखाओगे पहले थोड़ा हाँ नीचे तक ले जाओ, मैं थोड़ा और साफ बना देता हूँ,
तो बहुत सारी चीजें एनसीईआरटी के ग्राफ से, कोई जरूरी नहीं कि डाटा दे दे, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक चीज को पढ़िए। यह है इनऑर्गेनिक पढ़ने का तरीका, वो मेल्टिंग पॉइंट है, फिर एटॉमिक नंबर है। ये आप दिखा ना जिंक का सबसे कम है, बताइए यहाँ आया ना। हेलो यस सर, यस ऊपर क्रोमियम नीचे मैग्नीज आयरन, मैं इसको तीन पार्ट में ब्रेक करता हूँ। सबसे ज्यादा तो आपको क्रोमियम का हो गया, देखो ग्राफ से भी है, तीन पार्ट में स्कैंडियम टाइटेनियम वेनाडियम क्रोमियम, याद रखो बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ो, ठीक है। उसके बाद तुम्हें दे देगा मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक। तो देखो इसमें किसका बताओगे, सबसे ज्यादा है आयरन, उसके बाद बताओ कोबाल्ट निकल, उसके बाद अरे बोलो ना, कॉपर जिंक, फिर मैग्नीज, फिर जिंक। अच्छी है मैग्नीज। अब फिर इसके ऊपर उसी तरह बनाते जा, जैसे ऐसे ऊपर है। डिप 5D सीरीज में डिप नहीं है, डिप ग्राफ में सिर्फ 4D में है, सुना। अरे यार कुछ तो बोल लो, आगे बढ़े जल्दी बताओ। यस सर, और अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो 3D 4D 5D कोई पता है किसका ज्यादा, जल्दी बताओ। अभी मैंने पर आपको बताया कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सब सब मेटल है, लेकिन तुम जानते हो ना टॉप 5D में 4F के इलेक्ट्रॉन आने की वजह से ओवर शील्डिंग अफेक्ट हो जाती है, ओवर शील्डिंग अफेक्ट ऑफ F सबशेल है, ये सब देखो F सबशेल है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, तो मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। इसलिए ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट में 3D से ज्यादा 4D, 4D से ज्यादा 5D। डू यू अंडरस्टैंड? ग्राफ में भी देख लो, सब सब ऊपर ग्राफ बना हुआ है, एनी प्रॉब्लम? अरे यार कुछ तो बोल दो, हाँ या ना। लेकिन लेकिन इसमें एक बात याद, सबको समझ में आया, हाँ या ना जल्दी बताओ। आगे बढ़े हैं, जल्दी बता दो। यस सर, एक को छोड़कर वो क्या है, देखो जिंक CD NHG, HG तो स्पेशली लिक्विड है, इसकी मेल्टिंग ZN से ज्यादा CD और सबसे कम है HG, ये वाले ट्रेंड को छोड़कर, क्योंकि 5D सीरीज में HG लिक्विड में आ जाता है ना लास्ट में, इसीलिए। अरे यार कोई नहीं बोल रहा है टाइटे, अरे यार बोलो ना, हेलो टाइटेनियम जर्कोनियम हाफनियम दे दे, तो तुम कैसे चेक करोगे, पहले चेक करो ये 3D का, ये 4D का, ये 5D का, हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, बोलो ना, हेलो एवरीवन, गलत बात है यार, कोई नहीं बोल रहा हूँ। यस सर, अब मैं एक मिनट में सबको रिवाइज करा दूं, बोलो आप सब तैयार रहो, क्या क्या पॉइंट अब तक पढ़े हो मेल्टिंग, देखो मेल्टिंग में कुछ भी पूछ सकता है सब, मैंने कहा इनऑर्गेनिक में बोर्ड लेवल और कॉम्पिटिशन लेवल में माइन्यूट डिफरेंस है, माइन्यूट, बहुत ही माइन्यूट। आगे बढ़े जल्दी बताओ सब लोग। यस सर, हाँ अब सुनो सारे लोग, मेल्टिंग पॉइंट को कैसे पढ़ोगे, सबसे पहली बात मेल्टिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करती है, डी ब्लॉक मेटल है तो मेटल का सब ने बताया था मेटालिक सॉलिड, अब यहाँ पर सब मेटालिक सॉलिड है तो बताया गया कि जितना स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ट्रांजिशन मेटल की मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होने की वजह यह है कि इसमें NS के भी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं और N-1D के भी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। तीसरी बात, कहा गया चाहे 3D सीरीज हो, किसी भी रो में लेफ्ट टू राइट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो बढ़ता रहेगा, राइज टू मैक्सिमम एट द मिडिल, D5 की मैक्सिमम होगी,
उसके बाद रेगुलरली डिक्रीज करेगी, चाहे 3D का हो, चाहे 4D का हो या 5D का, शुरू में बढ़ना, मिडिल पे मैक्सिमम होना D5 का, फिर बाद में लगातार घटती रहेगी, समझा? इसलिए कहा गया ना आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर है, लगातार घटती रहेगी का मतलब यही हुआ कि यही ऑर्डर रहेगा, सुन लो सारे लोग, लगातार घट रही है, जिंक की सबसे मिनिमम, सब याद कर लो, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन देगा। अब सुनो, उसके बाद कहा गया कि लेकिन 3D 4D में D5 में दो आता है, मैग्नीज और टेक्नीशियम को छोड़कर, ग्राफ में डिप आया है, तो वही कहना टिपिकल स्ट्रक्चर है इन दोनों को, लेकिन इन दोनों का लो मेल्टिंग पॉइंट का ये मतलब नहीं है कि लास्ट वाले से भी कम हो जाएगा, लेकिन होगा कम, लेकिन लास्ट वाले से ज्यादा होगा, अच्छी बात है। उसके बाद आपको बताया गया कि 3D सीरीज में मैक्सिमम क्रोमियम की है तो मिनिमम जिंक की है, 4D सीरीज में मोलिब्डेनम की है तो CD की है, और 5D से मैक्सिमम आपका टंगस्टन है तो यहाँ HG है। उसके बाद सिखाया गया कि 3D 4D 5D सीरीज में याद रखिए Z इफेक्टिव बढ़ता है तो मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ता है, तो ये ऑर्डर याद रखना है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि भाई Zn CD और HG में किसका मेल्टिंग है, तो HG तो लिक्विड है सर, तो फिर 5D का क्यों ज्यादा होगा, तो इसलिए HG का कम है, फिर Zn है, फिर CD है। क्या आप सबको अच्छे से समझ में आ गया? एक लाइन बोलिए हाँ या ना। यस सर। अरे यार yes, बोल ही ना। हाँ तो ये मेल्टिंग पॉइंट इतनी सारी बातें आएंगी। अब आइए इसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक है, आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। यस सर। हाँ, तीसरा है इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, इसी से रिलेटेड है, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, यही सब ऑब्जेक्टिव सब आएगा, यही सब assertion reason सब आएगा। Enthalpy of atomization, basically इसको HA से denote करते हैं। ये वही है, लिखवा भी देता हूँ, the enthalpy change, या हाँ चलिए ठीक है, the enthalpy change, उद्रेक, वन मोल of molecule in any physical state, in any physical state into gaseous atom, बस is called enthalpy of atomization। मतलब एक तरह का ये bond enthalpy है, लेकिन हर bond enthalpy of atomization है, but हर enthalpy of atomization bond enthalpy नहीं है। मान लो कि A सॉलिड है और इसको गैसियस एटम में, A2 सॉलिड है तो गैसियस एटम में ब्रेक करना, दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। कोई जरूरी नहीं है लिक्विड को गैसियस एटम में कन्वर्ट करना, वो भी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहलाएगी, इसको सब्लिमेशन भी कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। बॉन्ड एंथैल्पी में क्या होता है, गैसियस मॉलिक्यूल को गैसियस एटम में कन्वर्ट किया जाता है। Enthalpy of atomization का मतलब हुआ कि reactant में molecule होगा, वो किसी भी physical state में हो, उसको gaseous atom में convert करना, this is called enthalpy of atomization। एक तरह से ये bond हो गया, bond को break करना। Water liquid है, इसको पूरी तरह H gas और O gas में convert करना, ये enthalpy of atomization हुआ। ये नहीं कि H2O से liquid H2O gas, नहीं, ये enthalpy of vaporization हो गया। गैसियस एटम में ब्रेक करना, जैसे आपके पास आयरन सॉलिड है तो पूरी तरह आयरन गैस हुआ, तो ये सिंगल एटम हुआ, ये बहुत सारे मिलियंस ऑफ आयरन है, उसको सिंगल एटम में ब्रेक कर दिया, आयरन को तोड़ तार के सिंगल एटम में गैसियस एटम में लिया आया, दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। अब आइए केमिस्ट्री में, अब आइए केमिस्ट्री में, सबसे पहली बात ट्रांजिशन मेटल हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटम, सॉलिड है, फिर वही बात क्यों, तो स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अरे यार कोई बोलो ना, कुछ तो बोल दो यार, हाँ या ना, फिर वही बात है, ग्रेटर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, स्ट्रॉन्गर इन द मेटालिक बॉन्डिंग, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हाई है, उसका रीजन यही है, मोर अनपेयर्ड, मोर स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग, और सबसे कम एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन वही जिंक की होगी। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा, गलत बात है ना, बोलो ना। यस सर।
ट्रांजिशन मैटर पहला पॉइंट हैव हायर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं 12 लिख रहा हूं डेल्टा ए एच लिखते हैं भाई डू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन electron in their atom they have a stronger interatomic metallic bond उस तो बोल दो यार गलत बात है बोल ही नहीं रहा मेटालिक बॉन्ड डू यू अंडरस्टैंड इसलिए यस सर यस यस सब कुछ समझ में आया आगे बढ़े जी सर यस सर अब देखिए सीरीज है समझा के नहीं तो आपको पॉइंट में है इन 3D सीरीज जिंक हैज लोएस्ट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ no unpaired electron in the formation of metallic bond samajh baat aayi 4D series mein minimum enthalpy of atomization kiska hoga cadmium 5D series mein मिनिमम तो ऐसे भी लिख लिखा ही होगा समझ में बात आई कि नहीं जल्दी बोलिए एटोमाइजेशन का याद रखना है आगे बढ़े हैं यस सर ठीक है फोर्थ हो गया इसी से रिलेटेड है अब आइए ऑक्सीडेशन स्टेट सब में अभी मैं लगातार वही बताऊंगा जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सारी कैरेक्टरिस्टिक्स अनपेयर्ड की वजह से मेल्टिंग पॉइंट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑक्सीडेशन स्टेट ये सब जो आप पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सब ऑक्सीडेशन स्टेट में ये है पहली बात ये कि ट्रांजिशन एलिमेंट शोज वेरिएबल फिर वही बात कि उसके बॉन्डिंग में NS के भी इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट करेंगे और -1D के भी इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट करेंगे डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन अरे यार क्यों करेंगे क्योंकि दोनों का एनर्जी गैप कम है कहेंगे बिकॉज़ द एनर्जी ऑफ NS एंड -1D इज वेरी क्लोज टू ईच अदर ड्यू टू व्हिच इलेक्ट्रॉन ऑफ बोथ ऑर्बिटल टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन देयरफॉर ट्रांजिशन एलिमेंट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखने यही सब रीजन एजर्शन रीजन स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा
इसलिए आपको ये सब पर ध्यान देना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल क्यों है, उसके बाद हम टेबल में लिखेंगे किसका किसका कितना है। पहली बात देखिए, ट्रांजिशन मेटल शोज ऑक्सीडेशन स्टेट किएगा सिंस एनर्जी ऑफ एनएस एंड, अरे सबा नाम की लड़की को कुछ समझ में आ रहा फौजिया को? यस सर। यस सर। कहाँ थी सुबह में? कोई एक आदमी पहले फौजिया बोले। सर मैं नहीं थी घर पे। आप दिल्ली में रह रही हैं? जी। तो घर किलाब मोबाइल लेके जाती, पढ़ लेती, कॉपी लेने की जरूरत नहीं थी, स्क्रीनशॉट मारती रहती, बाद में नोट्स कर लेती। खैर चलिए, हाँ सबा बताएं। सर नेटवर्क इशू था इसलिए कनेक्ट नहीं कर पाई। अच्छा ओके ओके, चलिए अभी नेटवर्क आ रहा है ना सही से? यस सर। Thank you. चलिए, energy of NS and minus 1D orbital are very close to each other, due to which electron of both orbital takes part in bond formation. इसलिए जब खुद सोचिए एस के भी इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट करेंगे, अब देखो कैसे याद रखना, याद रखिए। आगे बढ़े हैं, जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। अब सुनिए अच्छे से, 3D सीरीज का ही आपको याद रखना है। स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनाडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है, सिंक है। बस आपको थोड़ा सा ट्रिक समझना है, वो मैं बाद में भी लिखवा दूंगा। हमेशा याद रखिए ट्रांजिशन एलिमेंट में, अच्छा पहले एक बात मैं आपको बता दूं, इसका 3d 1 4s² है, इसका 3d 3 4s 3d 2 4s² है, 3d 3 4s² है, 3d 5 4s² है, 3d 5 4s² है, 3d 6 4s² 3d 7 4s², 3d 8 4s², 3d 10 4s², 3d 10 4s². अब सुनिए, स्कैंडियम का केवल +3, ये अपने आप में क्वेश्चन है, क्योंकि स्कैंडियम का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वर्चुअली अननोन है, एग्जिस्ट नहीं करता, कहीं पर भी कंपाउंड नहीं देखेगा स्कैंडियम का। तो आप, मैं इसलिए जस्ट इसके बाद एक ऑब्जेक्टिव करा दूंगा कि नेम द ट्रांजिशन एलिमेंट व्हिच डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, स्कैंडियम। स्कैंडियम नहीं शो करता है। बाकी को कैसे याद कीजिएगा, गौर से सुने। लास्ट में कितना है? 2, और सब में एक जोड़ते रहिए, 3 और 4, सब में डिफरेंस एक एक कर रखिए, 2, चूंकि यहाँ पर 2 है तो 2 फिर 1 जोड़ दीजिए, 3 4, इस तरह याद रखिए, 2, 3, 4, 5, एक एक ये याद रखिए, जबकि पी ब्लॉक एलिमेंट में याद रखिए -3 to +3 का क्या मतलब है, -3 -2 समझा कि नहीं, -1। जनरल होता है -3 -1, वहां जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस 5, देखिए +3 5 है, कितने का डिफरेंस है 2। ट्रांजिशन एलिमेंट में जो डिफरेंसेस होता है बेसिकली वो 1 का डिफरेंसेस होता है, ये सब कंक्लूजन लिखवाएंगे आपको, 3 4 5, यहाँ क्या होगा क्रोमियम में 2, 1 नहीं, 3 4 5 6, सबको जोड़ो, यहाँ भी 2 3 4 5 6 7। आयरन का तो सबको याद है 2 प्लस 3, बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ, फेरस फेरी
अरे जल्दी बोलो ना, अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं। हाँ हाँ, प्लस फोर होता है लेकिन ये रेयर है, रेयर केसेस में, बहुत ही वो बीएससी लेवल तक पढ़िएगा तो वहां आपको काम आएगा। लेकिन प्लस टू निकिल का भी वही याद रखिए, प्लस टू कहीं कहीं पर प्लस फोर, कोबाल्ट का भी वही है, कोबाल्ट निकिल का भी वही है सेम, प्लस फोर सब रेयर केस है। कॉपर का तो सबको रटा हुआ है प्लस वन प्लस टू, जिंक का तो सबको याद है प्लस टू, जिंक का भी प्लस टू ही होता है। तो 3D सीरीज में दो एलिमेंट ऐसे हैं जिसका वेरिएबल नहीं होता, जिंक और स्कैंडियम। लेकिन 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 पूछा जाए वो ट्रांजिशन एलिमेंट बताओ जिसका वेरिएबल है नहीं है, तो स्कैंडियम। जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। हाँ ये पूछते नेम द एलिमेंट विच डू नॉट शो, तब कहेंगे स्कैंडियम एंड जिंक, ऑब्जेक्टिव में कंफ्यूज कर देगा आपको, वो ध्यान उसके जिंक भी लिखेगा। अगर ये पूछ दे नेम द ट्रांजिशन एलिमेंट विच डू नॉट शो वेरिएबल इन 3D सीरीज, तो आप केवल स्कैंडियम पर टिक मारेंगे क्योंकि जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। हाय अल्लाह, कुछ तो बोल दीजिए भाई, कुछ तो बोल दीजिए। देखो कोई रट्टू माल की तरह पढ़ना ही नहीं है, कोई रट्टू माल के कोई भी पूछे मैं आदमी इसके बाद प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन, एक का डिफरेंस याद रखो। नॉन ट्रांजिशन में क्या होता है, दो का डिफरेंस होता है, माइनस थ्री तो माइनस वन आएगा। अरे यार बोलो ना। यस सर। नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट में दो का डिफरेंसेस होता है बेसिकली, ट्रांजिशन एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट में वन का डिफरेंसेस होता है। नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट